और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो फॉर्म है मिस्टर आर के शुक्ला एंड श्री हरीश पटेल, राजीव गौतम, राहुल तिवारी, जितेंद्र दुगर, शार गोयल, आकाश मित्तल, पार्थ काला, प्रकाश साहब। संजीव तिवारी जी, पारेख जी और तीसरा जिन्होंने मेरे सपोर्ट किए, हॉस्पिटल से भी फोन किए कि मैं दिया ये कि पहली बात जो है ये है ये रूम में काफी कोई टाइम और टेम्परेचर बढ़ जाता है, काफी जरा गर्मा गर्मी भी हो जाती है, वो नॉर्मल है मैं समझता हूँ। सबसे पहले तो जो ये इंडस्ट्रीज ने जो इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है तो मैं उसको जो है मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और मैं बखूबी जो है आपस में मिलजुल के उसको जो है कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी माइक्रो लेवल तक जाऊँगा, जो भी प्रॉब्लम हो मिल के बैठ के बातचीत करके उसको सुलझाने का कोशिश करूँगा। आई थिंक सबसे बड़ा जो उसमें पॉइंट है YDC का लैंड का ट्रांसफर, वो जो है काफ़ी वर्षों से चली आ रही है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज़ के लिए। YDC में जिसका लैंड है, जिनका बिल्डिंग है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सॉल्व तो उसका मैं कहाँ प्रॉब्लम है क्या है, बहुत सारी तो ये लास्ट स्टेज में आई थिंक हमारे सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, 2-3 मीटिंग होगी तो हो जाना चाहिए। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, वो हम लोगों की प्रॉब्लम है, प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं प्रॉपर वे में, जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं प्रॉपर वे में। केवल फाइल घूमने से रखने से फाइल कंप्लीट नहीं होती है, उसको बताना पड़ेगा हमको लेवन एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इसको ये किया जाए। तो आई थिंक हमारे समझ से हो जाने चाहिए। जो अभी उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी बिफोर दैट, इसके पहले प्रेजेंट बनने के पहले भी YDC के जो टीम से मीटिंग हमारी हुई थी तो जो समझे और प्रेजेंट भी किए थे एडमिन सिंगला साहब के साथ जो एडवाइजर हैं, तो उन्होंने बहुत ढंग से उन्होंने देखा समझा और बोला कि इसको लेके हम आगे बढ़ाते हैं करते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कैरस अभी उसी में है, YDC के डायरेक्टर बाई डिफॉल्ट मैं भी आऊँगा, तो अगर दो आदमी मिल के अगर बात करेंगे तो बात ही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। पैनल को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, जिन्होंने विश्वास किया और मैं कोशिश करूँगा वो विश्वास को जो है मेंटेन रखें, कायम रखें।